दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। मैं आदि बद्री में आया हूँ, आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल पर। यहाँ पर मैं मंदिर के प्रांगण में जहाँ पर गौशाला है यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन दुख का विषय यह है कि यहाँ पर 300 से 350 गायें हैं जो भूखा मरने को मजबूर हो रही हैं। इनकी स्पेशल अपील करने के लिए, जनता से अपील करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर गायें वो होती हैं गायें जो बाहर से लोग आवारा गायें होती हैं, या फिर जो लोग उन गायों का जो है दूध पी लेते हैं और उनके बाद वो उनका खर्चा नहीं उठा पाते, लेके जाते हैं। मेरे सामने जो है दो तीन गायें जो है ना अभी छोड़ कर गए हैं, तो इनका सारा खर्चा जो है ना वहन जो है यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन समस्या ये आई है आपकी बार संस्था के पास कि यहाँ पर उनके हरे घास के लिए, उनके सूखे चारे के लिए भी व्यवस्था जो है यहाँ पर बहुत ही चरम गई है। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। शेयर इसलिए करना है क्योंकि आज गौ माता की रक्षा का सवाल है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है स्पेशल मैं अपने चैनल की नहीं बना रहा हूँ, स्पेशल यहाँ पर गायों की जो है व्यवस्था को जो है ठीक करने के लिए, व्यवस्था भी आप लोग ही ठीक करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, पूरी बात को समझना है कि समस्या कहाँ आ रही है। देखिए यमुनानगर की समस्या है तो यमुनानगर ही इसे सॉल्व कर सकेंगे, बाहर का कोई व्यक्ति इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम पूरी बात जानेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कल जो है ना एक फेसबुक पर जो है ना सोशल मीडिया पर जो है ना एक वीडियो वायरल होता हुआ मैंने देखा था वहाँ पे। तो यहाँ पर जो है खड़े हुए गन्ने से खड़ा हुआ गन्ना जो है उसको खरीदा जा रहा है 70,000 रुपये के हिसाब से, मेरे ख्याल से उसको पर किले के हिसाब से खरीदा जा रहा है सर। तो इतनी समस्या यहाँ पर चरमरा रही है और मुश्किल से 10-12 गायें हैं जो यहाँ पर दूध देने के लायक हैं, जिसमें 50-60 लीटर ही दूध हो पाता है। और यहाँ पर जो है इस आश्रम के इन मंदिरों में जो है यहाँ पर व्यवस्था को देखने में मेहमानों की मेहमान नवाजी में जो है वो लग ही जाता है। तो इनकम का साधन यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से इस गौशाला में कोई पार्टिसिपेट नहीं है। तो जनता ने इस समस्या को देखना है और जनता ने इसको सॉल्व करना है। तो मेरे साथ जो है अभी जुड़ चुके हैं यहाँ के एक सेवादार हैं, अभी मैं उनसे नाम पूछूंगा, पूरी बात पूछूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर समस्या आई है। तो आइए सर मेरे सामने आइए यहाँ पर। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है जी? बाबा महाकाल दास जी, आज बद्री एज ए जनरल सेक्रेटरी हम संस्था में हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर कब से आप कार्यरत हैं? मैं करीब 17 वर्षों से यहाँ इस संस्था से, स्थान से, क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो मैंने कल शास्त्री जी, मैंने शास्त्री जी कहूँ आपको? नहीं, शास्त्री जी तो नहीं है, ऐ शास्त्री कह लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, चलो ठीक है जी, भगत कह सकता हूँ आपको? हाँ भगत कह सकते हो, भाई कह सकते हो, कोई बात नहीं। तो देखिए भगत जी, बात ऐसी है कि कल मैंने जो वीडियो फेसबुक पर देखी है, जो किसी मित्र के द्वारा मेरे पास भेजी गई थी, क्या ये सत्य बात है कि यहाँ पर जो है इन गायों के लिए जो व्यवस्था जो है घास की जो है चरमरा रही है, किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घास फूस की जो व्यवस्था है कि वो भी किसान के पैदावार पर डिपेंड होती है जी। और अब की बार पैदावार भी ही किसानों के पास बरसात की वजह से, मौसम की वजह से, जलवायु की वजह से अच्छी तरह से पैदावार नहीं हो पाई। जहाँ पर 20 क्विंटल होना था वहाँ पर 12-14 क्विंटल पर ही लोग आकर के रुक गए हैं जी जी। और गौशाला की हमारा करीब 20,000 क्विंटल भूस की आवश्यकता होती थी और अब की बार मुश्किल से 10 से 12 हज़ार क्विंटल ही भूस हो पाया है जी। तो ऐसी स्थिति में 300-350 गौएं हैं, प्रतिदिन का 12-15-18 क्विंटल का जरूरत भी पड़ती है प्रतिदिन की जी जी। अब उसके लिए क्या व्यवस्था है कि 3.5 रुपये क्विंटल के हिसाब से जंगल में लेबर लगाते हैं जी। तो वो काटते हैं, प्रतिदिन तोल करके उनको पैसा दिया जाता है और गौओं के लिए यहाँ घास आता है। और खड़े हुए गन्ने को 70,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक के, जैसे जैसे गन्ना है उस हिसाब से किसान का रेट होता है, ये कोई फिक्स नहीं कि 70 में, कुछ ऐसे भी 80 में भी है। और उसका लेबर लगा लीजिएगा, उसका ट्रैक्टर करीब 1,00,000 रुपये में किला पड़ता है जी जी। तो उसके लिए गौओं को गुजारा किया चल रहा है जी। बाकी सब आप लोग देख ही रहे हैं, फेसबुक पर भी हमने डाला था उस पर भी कि भाई ऐसी समस्या है। और हम कहीं भी जा करके व्यक्तिगत रूप से और दूसरी गौशालाओं की तरह डोर टू डोर या कहीं फैक्ट्रियों में जाकर के हम रसीद वसीद नहीं काटते दान के लिए जी जी जी। जो भी श्रद्धा भाव होता है यहाँ पर, जितना 40 से 50 लीटर जितना भी दूध होता है वो सब जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जितने यात्री लोग आते हैं, उनके सर्दियों में चाय के लिए, गर्मियों में दही और लस्सी के लिए, सब वो उसी में लग जाता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उसमें गौशाला का भी सहयोग हो जाता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर गौशाला को हमने इसमें परिपूर्ण रूप से 8-10 साल से हम प्रयास में हैं और प्रयासरत हैं अब भी कि हम गौशाला में कहीं भी कभी भी हमें ऐसी अपील की भी आवश्यकता ना पड़े, हम ऐसा चाहेंगे जी जी जी।
देखिए दोस्तों, बड़ी ही समस्या है। देखिए भगत जी ने कहा है कि भी हम प्रयासरत है कि भी कभी कहीं पर अपील करने की समस्या ना पड़े, क्योंकि ना तो ये किसी प्रकार का कहीं से दान चंदा इकट्ठा करते हैं, ना ही किसी प्रकार का कहीं किसी दुकान पर इनके गल्ले कोई अरेंज किए हैं। जैसे आप लगभग मैक्सिमम दुकानों पर देखते हैं कि गौशाला का दान दिखाई देता है, वहाँ पर एक स्पेशल से एक जो है गल्ले बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इस प्रकार से भी यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैं यही चाहूँगा जो गौ माता को जो माता समझते हैं, जो गौ माता को जो है रेफरेंस देते हैं, गौ माता की इज्जत और सम्मान करते हैं, जो गौ माता के ऊपर जो है बहुत सारे भाषण और अपील देते हैं, तो मैं उन संस्थाओं से, उन संगठनों से मैं अपील करता हूँ कि ताकि हमें जो है उनके खिलाफ़ भी कुछ ऐसा बोलने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि देखिए, जब कभी आवश्यकता पड़ती है, जब पूरे देश पर आवश्यकता पड़ती है, आपदा पड़ती है, तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। तो आज हमें जो है कुछ इस गौशाला के लिए यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर हमें मजबूर होना पड़ा है। तो मेरी आपसे सभी से दरख्वास्त है, जो सामाजिक लोग व्यक्ति हैं, जो गौ माता के हित में जो व्यक्ति हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा उनको कि भी आकर यहाँ पर जो है दान कीजिए, चंदा कीजिए, लेकिन वो कम से कम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनके पास घास की फूस की व्यवस्था है, तो यहाँ पर कम से कम वो ट्राली लेके जो है इन गायों की जो है जो खाने पीने की व्यवस्था है, हरे घास की और सूखे घास के चारे की व्यवस्था है, कम से कम उसको तो ठीक ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पैसा दान ही करने की बजाय आप प्लीज़ वहाँ से अपना अरेंज कीजिए, जैसे तैसे कर करके जो है यहाँ पर जो है घास की व्यवस्था को कीजिए, क्योंकि ये गौशाला जो है आत्मनिर्भर गौशाला है, लेकिन अब की बार चारे की अव्यवस्था होने की वजह से, चारे की कमी होने की वजह से इनको खुद जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, शेयर करना है दोस्तों, शेयर करना है। बहुत ही फालतू चीज़ें आप शेयर करते हो, एक गौ माता के नाम की भी शेयर हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।